और देखो ना, ऑटो वाले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक दिल्ली और मुंबई के ऑटो वाले में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वालों को कहीं चलने बोलो तो चलता है. दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि चलो मौसम बढ़िया है दोस्त आज. उसे बोलो भाई मुझे गुड़गांव जाना है, पर द्वारका बढ़िया जगह है. आगरा के भी आगरा ताजमहल देखें, काफी लोग हैं. मैं आगरा स्टेशन बाहर निकला, जैसे ही आगरा स्टेशन से बाहर निकला एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के बोल रहा है चलो जल्दी चलो. तो चलिए हम आपको ताजमहल दिखा देंगे और हम आपको आगरा फोर्ट भी दिखा देंगे. मैंने बोला ब्रो तू है कौन? बोल रहा मैं ऑटो वाला. मुझे लगा माँ ने भेजा है. मैंने बोला रिलैक्स मुझे कुछ खाना भी है और चलिए हम आपको नाश्ता भी करा देंगे. क्यों बे, हम जीजा हैं तुम्हारे, ऐसे तो तुम मेरी आदत खराब कर दोगे. ऐसे मैं कहें उतर रहा हूं, हाँ भाई कितना पैसा हुआ? 50 रुपया. मैं नहीं दूंगा, समोसा तो खिलाया नहीं तुमने मुझे, मोट कचौड़ी तो खिला ही देते. और देखो ना, ऑटो वाले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक दिल्ली और मुंबई के ऑटो वाले में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वालों को कहीं चलने बोलो तो चलता है. दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि चलो मौसम बढ़िया है दोस्त आज. उसे बोलो भाई मुझे गुड़गांव जाना है, पर द्वारका बढ़िया जगह है. पर मुझे तो गुड़गांव जाना है, पर द्वारका में इस टाइम मौसम अच्छा हो रखा है, वहां छोड़ देता हूं, वहां से ऑटो कर लेना. अरे पर जो सबसे हरामी ऑटो वाले वो यूपी के हैं. यूपी में ऑटो वाले नहीं, यूपी में लोग कमीने में बता रहा हूं. वहां बनारस में लोग 7-7 किलोमीटर चले जा रहे हैं जॉगिंग पे, हाँ, और वहां से कचौड़ी जलेबी खा के वापस आ जा रहे कि चलिए मिश्रा जी हो जाए. वहां के ऑटो वाले के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वो जो आदमी सड़क के उस पार खड़ा है वो मेरे ऑटो पे क्यों नहीं है. उसको अपने ऑटो पे लोग चाहिए, उसको बस लोग चाहिए. उसको समझता ही नहीं कि उसको ऑटो है, उसको लगता है ट्रक. कितना भी लोग बिठाएंगे लोग आ जाएंगे, वो इधर से खाली भरे जा रहा है, इधर से कितना गिर रहे हैं वो देख भी नहीं रहा. वो डेस्परेट है, उनको ऑटो पे लोग चाहिए. मैं स्कूटी से जा रहा था, मेरे को ऑटो वाला ओवरटेक कर लिया. बोले कहाँ जाना है? बोले पागल वागल है क्या तू? और मैं बोल रहा हूं अगर मैं हाँ करता वो स्कूटी रख रहा था अंदर. इनका कोई जमीर नहीं है, ऑटो वालों को कोई जमीर नहीं. तुम ट्रैफिक जाम में फंसे रह जाओगे पैदल, ऑटो वाला निकाल ले जाए, ये घर के आंगन वांगन से निकाल के ले जा. वो तो गटर का ढक्कन छोटा पड़ता है, नहीं तो लेके जा रहे गटर गटर ये. हाँ एक बार ना मैं वेट कर रहा था ऑटो, आई वॉज वेटिंग फॉर ऑटो, मुझे चाहिए था. और सामने से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया, पर उस ऑटो में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, कुछ ज्यादा ही. लाइक उसका ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ था, उसकी गोद में एक आदमी था यार, जिसने अपनी गोद में बच्चा ले रखा था, और उसने ऑटो मेरे सामने लाके रोक दिया. बोला कहां जाना है? और एक तो ऑटो वाले को कभी सरकैज़म समझ नहीं आता. मैंने बोला भाई तू पागल वागल है क्या, तू सर पे बिठाएगा क्या? उसको उसकी आंखों में चमक आ गई. उसको लगा मैं सलाह दे रहा हूं, वो देखने लग गया. यहां आओ आ जाओ.
जगह तो खाली है। सो एक्चुअली उस दिन मैं आगरा ताजमहल देखने गया था, बट ताजमहल बंद होता है फ्राइडे के दिन, तो मैं आगरा फोर्ट पास में ही है वो देखने चला गया। और देखो मैं यूपी से हूँ, हम चिरकुट लोग होते, हम पैसे नहीं खर्च करते गाइड पे कि ये लो पैसे और तुम बताओ, हम वहां जाके चीजें अज्यूम करते हैं कि यहां ये हुआ होगा। मैं एक कुआं था उसके सामने जाके खड़ा हो गया मैं, अब कुछ समझ आ नहीं रहा मुझे, हिंदी वाला बोर्ड दूर है, मेरे बाजू में एक आदमी खड़ा था वो मुझे देख रहा है, कुआं देख रहा है। मैंने बोला क्या है ये, तो बोल रहा है कुआं। मैंने बोला वो तो मुझे भी पता है चूतिए, पर ये किस लिए है यहां पे। बोल रही ये कुआं है, पानी तो सूख गया इसका। अंदर मुझे सीढ़ियां दिख रही हैं, मुझे लग रहा है अंदर मंदिर है। तेरे को नहीं पता तो बकचोदी क्यों कर रहा था, सीधे बोल नहीं पता। बट द थिंग इज कि अगर तुम गाइड करते भी हो, गाइड हायर कर लेते हो, वो भी तुम्हें फुद्दू ही बनाएगा। वो वहां पे गाइड ऐसे बता रहा कि ये संगमरमर की दीवारें ये गर्मी में गर्म रहती है। और ठंडी में ठंडी हो जाती, पेठा खाओगे पंची पेठा ओरिजिनल खिलाते हैं, चलो आपको यही पास में ही दुकान है ओरिजिनल। वो बकचोद बना रहे हैं, वो दलाली कर रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं, गाइड भी ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। एक बार ना जंगल में घूम रहा था और हमारे साथ में एक गाइड था, जो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया था, मैं नहीं करता, हमारे दोस्त ने किया था, मैं नहीं करता यार, मैं यूपी से और बनिया आदमी। हाँ मेरे को गुस्सा आता है ना तो मैं घर पे पटकने के लिए भी प्लास्टिक का बर्तन ढूंढता हूँ, मैं पैसा खर्च करूंगा इन। तो वो बहुत थोड़ी डरावनी सी जगह थी, मैंने बोला भाई ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, सुने हैं भूत प्रेत आत्माएं सब दिखाई देती। बोल नहीं साहब, देखिए भूत प्रेत चुड़ैले आत्माएं सब मन का वहम है, आप जितना सोचोगे आपको उतना दिखाई देगा, आप नहीं सोचोगे मार के चला जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है बे, इस हिसाब से तो मुझे डरना चाहिए। बोला ये देखिए ये है सुसाइड पॉइंट, यहां पे आदमी लोग आके सुसाइड कर लेता है। मतलब क्या सुसाइड पॉइंट है, तो पहाड़ है, पहाड़ तो इधर भी है, इधर से भी कूद के आदमी मर ही जाएगा। बोला नहीं यहां से बढ़िया मरता है। क्या है ये। और है ना हमारी सरकार हमको लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। लाइक जब मैं घूम रहा था ना आगरा फोर्ट, तो वहां पर एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था कि यहां की दीवारों को नहीं खराब करने के लिए धन्यवाद। मना नहीं कर रहा कि मत करो, थैंक्स बोल रहे हैं कि आपने नहीं किया, हमको अच्छा लगा। और बगल में ही 17-18 साल का एक लौंडा प्रियंका प्लस पंकज, दिल बना दूं, एरो भी निकालना है। और बाजू में गार्ड खड़ा होके देख रहा था, वो बोला था बाबू बहुत प्यार करते हो प्रियंका को। बस जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो इसे मिटाने चले आना। बहुत ही। तो मैं काफी बार जयपुर गया हूं, जहां बहुत सारे फोर्ट है। जयपुर कौन कौन गया, गया ही हो गया यार, छोड़ो ये क्या बात है कि मैं पूछ रहा हूँ सबसे। जयपुर में बहुत सारे फोर्ट हैं, तो ना मैं 2-3 साल पहले जब मैं जाता, तो वहाँ पे गाइड जो है ना वो ऐसे बताते थे कि ये 17वीं शताब्दी में बना हुआ किला है, यहाँ पे महाराजा बैठते थे, महारानी यहाँ पे बैठती थी, यहाँ से ऐसे सैनिक आते थे, यहाँ पे डांस वगैरह होता था, मशाले जल रही होती थी। इस बार जब मैं गया था जयपुर में, तो वहाँ पे गाइड ऐसे बोल रहा था कि यहीं पे भंसाली को कूटा गया था। दो घुसंड मारे सबसे पहले,
फिर यहां से घसीटते हुए लेके दो घुसन डॉन मार दिया। जिस हिसाब से तुम लोग मजे ले रहे हो, टिकट हम लोगों ने ज्यादा सस्ता रख दिया क्या? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने पूरा वीडियो देखा। अब मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेक श्योर कि बेल आइकन दबा दो, क्योंकि नए वीडियो जब भी डालूंगा उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और यस, अब मैं नए वीडियोज डालने वाला हूँ थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली। काफी टाइम से वीडियोज नहीं डाल रहा था उसके लिए सॉरी, बट अब मैं नए वीडियोज डालने वाला हूँ। प्लस एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि वहां पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने शोज के बारे में और कुछ कुछ वीडियोज डालता रहता हूँ। आई थिंक वो आपको पसंद आएंगे। तो कुल मिला के सीन ये है कि इस वीडियो को तो पूरी तरह से फैला दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।